नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं अयोध्या राम नगरी में और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं महेंद्र त्रिपाठी जी, जो राम मंदिर आंदोलन के लेकर जो पूरी प्रक्रिया चली और जो कोर्ट में सबूत पेश किए गए और जो प्रधानमंत्री पहली बार जब राम भक्त है यानी प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, ऐसे जब आडवाणी जी के साथ में जब अयोध्या पहुंचे थे, सिंपल समझिए यूं कह ले कि एक साधारण आदमी थे उस समय, तो उस समय जो तस्वीरें उनकी जो आप देखते हैं आज के समय में, जो उस समय तस्वीरें खींची गई थी, वो जो कैमरा जो फोटोग्राफर थे वो आज हमारे साथ हैं और अवसर ऐसा बनना है कि उन्होंने उस समय एक प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन भी किया था कि अब दोबारा आपका यहाँ आना कब होगा, तो ये सौभाग्य था या वो ये समझे ऐसा हालात बन गया कि प्रधानमंत्री जी के जुबान से भी निकल गया कि जब राम मंदिर बनेगा तब हम फिर आएंगे। हम पूरी कहानी सर से ही समझते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सर मैं भी आपके चैनल फर्क इंडिया का स्वागत करता हूँ उस अयोध्या की जो है लता चौक से, क्योंकि ये ऐतिहासिक जगह अब हो गई है, क्योंकि लता दीदी देश की बहुत महान सिंगर थी और इस वक्त मेरी मुलाकात आपसे हो गई। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात 14 जनवरी 1992 को हो गई थी, क्योंकि मैं रामलला दरबार में ही राम जन्मभूमि स्टूडियो चलाया करता था और पत्रकारिता प्रेस फोटोग्राफी का भी काम करता था, तो मुझे एकलौता पास मिलता था। यही वजह थी कि मैं जो है वहाँ हर वक्त मौजूद रहता था और जितनी भी घटनाएं वहाँ घटी हैं, चाहे वो 86 का ताला खुलना हो, चाहे 89 का वो राम मंदिर का शिलान्यास होना हो, चाहे वर्ष 1990 में मुलायम सिंह की सरकार में जो गोलीकांड कारसेखों पर हुआ है वो, और 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा गिर गया है, तो वो भी हमने सब अपनी आंखों देखा, सब कैमरे में कैद किया। यही वजह है कि CBI के दो बड़े मुकदमे में मैं चश्मदीद गवाह रहा हूँ, एक रायबरेली कोर्ट में चला है, सरकार के CBI कोर्ट में चला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक मुकदमा चला है सिविल का, जिस पे ये फैसला आया कि ये राम मंदिर है, तो उसमें भी जो सबूत न्यायालय में दिए गए वो सारे हमारे फोटोग्राफी थे, क्योंकि जब जब खुदाई होती थी, समतलीकरण होता था, तो मैं तस्वीरें खींच कर रख लेता था। तो अशोक सिंघल जी ने, जो भी सिंधु परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने हमसे कहा कि तस्वीरें आप दे दीजिए, तो मैंने चंपत जी को दिया, तो चंपत जी ने न्यायालय में दाखिल किया। उनको कहीं से आभास हो गया था कि इन तस्वीरों से राम मंदिर के हक में फैसला आएगा, तो फैसला भी बाद में आया और देश दुनिया ने देखा कि वो बाबरी मस्जिद नहीं है, केवल महाजिद थी, और राम मंदिर के हक में फैसला आया, अब भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो मोदी जी ने जो संकल्प लिया था वो भी जो है वो 29 वर्ष बाद उन्होंने पूरा किया, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखी। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपसे कहा था कि हम मंदिर बनेगा तभी अब आएंगे, ऐसा उस समय उन्होंने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया से और देश से मन की बात करते हैं, लेकिन ये वाली मन की बात क्यों नहीं? अब वो उनका गुप्त संकल्प है, चूंकि वो रामलला से उनका अपना संकल्प लिया था, तो जो कोई प्रभु से अपना संकल्प लेता है उसको जल्दी नहीं करता है, लेकिन देश दुनिया अब सब कुछ स्पष्ट में आ रहा है कि कृपा हो गई राम जी की, और जब राम भक्त के रूप में आए थे, अब राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में आए, तो उनका संकल्प भी हो गया, क्योंकि 29 वर्ष तक फिर वो दोबारा अयोध्या आए नहीं थे, और अयोध्या फिर तभी आए हैं जब 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का आधारशिला रखे हैं। तो ये तस्वीर हम ही ने वायरल की थी जो आज सब सारे देश दुनिया के TV चैनलों में चल रही है, तो यही वजह है कि मुझे भी अब आमंत्रण मिला है और राम मंदिर का मैं साक्षी बनूंगा उद्घाटन का। तो आपको आमंत्रण जी, चूंकि यही वजह है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने हमको भी आमंत्रण दिया है, तो मैं जैसा आपकी 92 में मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी से, तो क्या आप ऐसा आपको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो जाएगी आपकी? अब देखिए, इच्छा है और मैं तब से 92 से आज तक मैंने कैमरा नहीं उठाया है, क्योंकि मैंने फिर आपका भी संकल्प, मेरा इसलिए संकल्प हो गया कि जो इतने बड़े भव्य राम मंदिर में अपना स्टूडियो चलाता हो और वो 6 दिसंबर में कारसेखों के उसमें गुस्से के कारण मेरा भी चला गया, तो फिर उससे बढ़िया कोई खूबसूरत जगह मिलती नहीं थी, और मेरे मन में भी एक कहीं से वो क्षोभ आ गया कि इतनी खूबसूरत जगह छोड़ के मैं अब कहाँ कौन सा स्टूडियो खोलूंगा, तो मैंने सोचा कि अब मैं ये काम करूंगा ही नहीं और कैमरा तभी उठाऊंगा जब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। तो कहीं से ये भी इच्छा रामलला ने पूरी कर दी, मेरे ही जीवन में फैसला भी आ गया और राम भक्त प्रधानमंत्री मिल गए, अब राम भक्त प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, अब मेरी इच्छा आमंत्रण मिल ही गया है, तो मैं सोचता हूँ कि अगली तस्वीर इस एल्बम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगाऊं, मैं उनसे बताऊं कि जिस जगह पे आप 14 जनवरी 1992 में आए थे, मेरी मुलाकात उस समय आपसे हुई थी,
मैंने आपसे सवाल किया, आपने जवाब दिया जब मंदिर निर्माण होगा तब आऊंगा। अब मंदिर निर्माण आपके ही हाथों हो रहा, तो मुझे बहुत बेहद खुशी है कि देश को इस तरह से प्रधानमंत्री मिले हैं। अब लेकिन लगता है कि वो कैमरा अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो हमको ये आमंत्रण मिला प्रोटोकॉल है नहीं, उसमें साफ साफ लिखा है कि कैमरा मोबाइल अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, ये जो आमंत्रण है इसमें लिखा हुआ है, तो अच्छा। इस वजह से एक अधूरी जो है इच्छा रह जाएगी, हो सकता है कहीं से बुलावा आ जाए तो मुलाकात हो जाए, लेकिन जिस तरीके से श्री कृष्ण की मुलाकात सुदामा से हो गई थी, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं अयोध्या का एक गरीब ब्राह्मण हूँ, गरीब पत्रकार हूँ, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो जाएगी तो मैं अपने आप को खुश। तो फिर 92 के बाद आपसे कभी प्रधानमंत्री की मुलाकात नहीं हुई? कहाँ हुई, जब कोई जो है देश का बड़ा गद्दी पे बैठ जाता है तो मुलाकात कहाँ हो पाती है। हमने जो है एक मतलब भेजा था अपना पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को कि मुलाकात मैं करना चाहता हूँ, तो मतलब कहीं से जवाब नहीं आया। वो विषय मेरा नहीं है, मिले कि नहीं मिले, मेरा सिर्फ इतना ही विषय है कि मैंने जो राम जी के लिए काम किया, वो राम जी ने बहुत बड़ी मुझे ड्यूटी दी, अब उस ड्यूटी का जो है समापन हो रहा, चूंकि देश दुनिया यही चाहती कि राम मंदिर बने, अब वो बन रहा है, उद्घाटन हो रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। मोदी जी टीवी पे और हर जगह दिखाई ही पड़ते हैं, और मुलाकात यदि हो जाएगी तो मैं सौभाग्यशाली समझूंगा, मैं बताऊंगा कि मैंने आपकी तस्वीर उस समय खींची थी जब आप चर्चा होगी अगर मुलाकात होती है प्रधानमंत्री। तो ये तस्वीरों का आप जरा कुछ दिखाने के, तो आपके पास ये तस्वीरें हैं उस समय की, तो आप कुछ जरा दिखाइए। ये जिस समय पास मिलता था, ये देखिए, ये है स्टूडियो चलाने के लिए एकमात्र कैमरा मेरा ही अंदर जाता था, तो ये पास है, और ये प्रधानमंत्री जी की वो तस्वीर है जो अच्छा जो वायरल होती है, जो सब जगह इस समय दिखाया जा रहा था, ये वही है 14 जनवरी 1992 को हमने खींची थी, तब वो राम भक्त एक दर्शनार्थी के रूप में थे, अब प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं, तो ये सारी तस्वीरें हैं, ये उमा भारती जी हैं उस समय कार सेवा के दौरान की हैं, और ये कल्याण सिंह जी हैं जब 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिर गया, तो 7 दिसंबर को वो सर अपनी सरकार की संपूर्ण जिम्मेदारी ले लिए थे कि किसी कार से ऊपर मुकदमा ना चले, और तो यही वजह थी कि सब हो गए, और अब राम मंदिर बन रहा है तो मुझे बेहद खुशी है। जी, जी। आपने देखा कि हमारे साथ जो पत्रकार थे अयोध्या के, और किस तरह से जो पूरा ये आंदोलन चला, उस आंदोलन में किस तरह इनकी फोटोग्राफी काम आई, और कहीं ना कहीं कोर्ट में वो प्रूफ करने में भी काफी मदद की। तो आप देख सकते इसके बारे में, आप प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा है, जिस तरह से कृष्ण सुदामा से मिले, इनको भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री से भी मेरी मुलाकात होगी। अब देखते हैं कि कब कैसे इनकी मुलाकात होती है, क्या आने वाले जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उसमें प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात होती है।